राजस्थान की अरावली उपत्यकाओं के मध्य बसे राजसमंद जिले का एक गांव कुंचौली। इस पहाड़ी और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के चलते छोटी से छोटी स्वास्थ्य सुविधा के लिए इन्हें 50 से 60 किलोमीटर दूर शहरों में जाना पड़ता। गांव में प्रसव घरों में ही औरतों या दाई द्वारा किए जाते। हालात काबू के बाहर हो जाते तो महिला को शहर के अस्पताल पहुंचाने की जुगत लगाई जाती। सबसे पहले तो शहर तक ले जाने के लिए साधन की व्यवस्था बैठानी होती, वहीं दूसरी ओर शहरी अस्पताल, वहां के वातावरण और वहां होने वाले बड़े बड़े खर्चों का भय इनकी समस्या को और बढ़ा देता। समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में महिलाओं की मृत्यु तक हो जाती है। प्रसव के दौरान हुई जटिलता में महिलाओं की और इलाज न मिलने से नवजात शिशुओं की भी मृत्यु हो जाती। उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में अत्यधिक बढ़ती शिशु और मातृ मृत्यु दर ने एक ऐसे स्वास्थ्य केंद्र की सोच को जन्म दिया जो इन आदिवासियों के लिए हो और इनकी पहुंच में हो। इसी उद्देश्य के साथ 1997 में राजसमंद जिले के कुंचौली गांव में अर्थ द्वारा एक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया और इसे चलाने की जिम्मेदारी हम नर्सों को दी गई। अमूमन नर्स को एक सहायिका के रूप में देखा जाता है, परंतु अर्थ ने हमें कुशल प्रसविका की स्वतंत्र भूमिका निभाने का अवसर दिया। केंद्र की शुरुआत के पीछे अर्थ की यही मंशा थी कि गांव वासियों को प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य और बच्चों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए। हालांकि शुरुआत में गांव वासियों का विश्वास जीतने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, परंतु उचित प्रसव सुविधा, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन आदि जांच की सुविधा केंद्र पर ही होने से जल्द ही गांव वासियों का विश्वास केंद्र पर रहने लगा। कहीं जाओ चोर, वो आप कोई तकलीफ नहीं? अब तो दोनों सही, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, कोई तकलीफ तो छुट्टी कब मिलेगी? छुट्टी तो हमारा आपने कल दोपहर खुद ही मान ली, 24 घंटा तोटे रहा। अब कोई तकलीफ नहीं है, पर कहीं भी तकलीफ पड़ भी सके ना, कई लुगाई कई खून छूटे बच्चे रहे, कहीं भी तकलीफ पड़ सके। ठीक है, तो आप बैठो, अब आराम से लाए गए। ठीक है, इसका वजन लिया था इसका? लिया। कितना? 2 किलो 400 ग्राम। और हाँ, हमारे केंद्र के दरवाजे सभी जाति और वर्ग के लोगों के लिए दिन रात खुले रहते हैं। इस तरह ठीक है, तकलीफ तो नहीं है, छुट्टी दो। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि यहाँ आने पर गांव वासियों को अपनत्व की अनुभूति हो। वहाँ पर आपने हम जाओ तो ध्यान भूल लीजिए, ठीक है? तो घर जाने आप लोग कहीं के ध्यान रखना चाहो सब हम जाओ। एक तो हमने 1.5 महीने में टीका लगवाना है, ठीक है? अब बार हपड़ाना नहीं है, ठीक है? बच्चे को गाँव पर पैराने रखो और आपने जब तक घर जाने वो बट्टे भी कमरे खुला नहीं होना चाहिए, हवा नहीं आना चाहिए, ठीक है? और बच्चे को कोई भी मानना कहावे तो सब हाथ लगावा नहीं देना, ठीक है? कोई भी हाथ लगावे गंदा हाथ हो तो पाचे बच्चे बीमार हो जाए, ठीक है? और आपने भी अब को गोली आपने दी थी वो गोलियाँ लेनी है, ठीक है? और कभी भी आप रे कहीं भी तकलीफ हो
तो पाछे हटे आईने बताओ। यूं तो मुंह दो तीन दिन कहे आपरे बेटा घरे आऊं मलवा वास्ते, और पहले कद्दी भी आपरे कई भी ताव आई है, पेट में बत्ता दुख रही है, कई भी तकलीफ हो तो जेट हटे आईने बता रही। प्रसूता के घर जाना हो या किसी प्रकार की आपात स्थिति हो, दिन में या रात में गांव में जाना होता है। ऐसी स्थिति में हमारे पुरुष कार्यकर्ता हमारे साथ जाते हैं। कभी कभी अंदरूनी गांव में जाना होता है, कहीं कहीं मोटरसाइकिल भी जाती है, पर अक्सर घरों तक पहुंचने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है। ऐसे में हमारे जानकार पुरुष कार्यकर्ता के साथ से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। केंद्र पर तो हम सभी इनकी देखभाल करते ही हैं, परंतु ऐसा जरूरी नहीं कि जटिलता सिर्फ प्रसव के दौरान ही हो। इसलिए हम अनिवार्य रूप से प्रसव के 2-3 दिन पश्चात प्रसूता के घर जाकर उनकी जांच जरूर करते हैं। इस दौरान हमारी कोशिश रहती है कि यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा या माँ को किसी तरह की तकलीफ हो रही हो तो उसका समय पर हमें पता चल जाए, ताकि उचित इलाज की व्यवस्था की जाए, और यदि बात गंभीर हो तो उसे अस्पताल भेजा जाए। निश्चित दिनों पर हम गाँव में भी जाते हैं, जिससे मौसमी और छोटी मोटी बीमारियों का इलाज गाँव में ही हो जाता है, और गर्भवती महिलाओं की निश्चित अंतराल पर जांच भी होती रहती है, और गर्भवती महिला से हमारा संपर्क बना रहता है। इसी के साथ गाँव वासियों को गर्भ निरोधक साधन और अन्य जानकारियों से भी अवगत कराने का ये एक सुगम माध्यम है। कुंचौली की तरह उदयपुर जिले के कड़िया गांव में भी स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना से गाँव वासियों को काफ़ी सुविधा हो गई है। उदयपुर शहर के करीब होते हुए भी कई अंदरूनी गांव के लोग केंद्र पर आना ज़्यादा पसंद करते हैं। शहर तक जाने में साधन, पैसे आदि की दिक्कत इस गांव में भी यथावत है। आलम यह है कि अर्थ के चयनित 49 गांवों के बाहर के गांव से भी महिलाएं केंद्र पर आती हैं। सभी कहते हैं कि जब अच्छी सुविधा यहां है तो घर पर प्रसव क्यों कराना, यहां दवाई भी मिल जाती है और बहन जी का व्यवहार भी अच्छा है। अरे ऐसे बिल्कुल नहीं देना, आपको ऊपर का ऐसे देना है तो भी दूध बढ़िया गरम गरम पट्टी वाली चम्मच से देना है, उसमें नहीं देना, उसमें देने से ज्यादा होता है, दस्त लग जाते हैं, अभी देख लेना, ठीक है, उसमें देना ही नहीं, आप कितना भी साफ करो उसमें साफ नहीं रहेगा, बार बार वो तो गर्म करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे है, बाकी उसमें देना ही नहीं, कटोरी चम्मच से देना है। दोनों ही केंद्रों पर सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर आते हैं, जिससे गांव के लोगों के साथ साथ स्वयं हमें भी उचित मार्गदर्शन मिलता रहता है। कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम डॉक्टर से फोन पर भी परामर्श ले लेते हैं। सुबह 5:30 बजे
वो आई थी उस टाइम भी उसका बीपी थोड़ा ज़्यादा था, 150-100 आ रहे थे। इसको मैंने दवाई दिया था, इसके बाद डिलीवरी इसका आराम से हो गई। अभी भी बीपी ऐसे ही अभी बढ़ रहे, बीपी 160-100 है, 160-100 उस हिसाब से आ रहे। उसका पाँव में भी सूजन है। हाँ मैडम जी, हाँ पेशाब तो किया है इसने 2-3 बार, ठीक है। हाँ ब्लीडिंग नॉर्मल है, ठीक है मैडम जी। मैडम ओके, 2 घंटे बाद वापस मैं फ़ोन कर लूँगी आपको। अब कल आ रही है ना? हाँ जी, कल आए तो आप एक बार चेक कर लीजिए वापस। ओके मैडम, पानी के साथ में ले लीजिए। वाह ठीक है ना, तब पीवारी दवा दीजिए और लिखो वो देगा। बुखार बनने बात तो हो गई क्या? नहीं आई रहे उन्होंने, काले दंड नहीं आया और रात वापस आई है। रोने तो नहीं है बुखार? हाँ हाँ काले भी दंड नहीं आया, रात वापस आई है। मैडम एक पेशेंट है, इसका देखो 33 वीक्स ही है, इसके अभी से मेरे को लग रहा है इसको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, बुक कैसे? हाँ बुक कैसे, पहले आई इसका तो तीसरी विजिट है अभी, इसको ये बोले दो दिन से बेड पे। तीन बच्चे हैं इसके तो। हाँ पहले भी कभी अस्तर दर्द नहीं था रे बेटा? पहले ही दुखे थे पहले से। हाँ ये तो भी पहला बच्चा भी बिगड़ा था मेरे दर्द। देख तो बनो थोड़ा आराम कर जो। हाँ पानी तो नहीं छूटे ना? राजस्थान में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में हर 1000 जीवित जन्मों पर 6 से 7 महिलाएं मर जाती हैं। ये है मातृ मृत्यु दर, जिसको हम बहुत अधिक मानते हैं। विकसित देशों से ये दर 100 गुना ज्यादा है। इसके अलावा जो नवजात शिशु पैदा होते हैं उनमें भी मृत्यु दर ज्यादा है। पहले ही महीने में हर 1000 जीवित बच्चों में से 75 मर जाते हैं, और यही वजह है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों मृत्यु दरों को कम करने की दक्षिण राजस्थान में। ये गोली हमने रोज रात हुए बनेगा एक एक गोली लेना महीना रह वास्ते। पर आप पढ़ा लिखे हो तो उसमें भी सब कुछ लिखा है, तो आप पढ़ लेना ठीक है। और ये आप तैयार सीधा है और अनुमान सब लिखिया, ये कतरा वजन जनिया कतरा वजन है सवन में लिखिया ठीक है। यहाँ आदिवासी महिलाओं से प्रसव का शुल्क 100 रुपए में दवाई लिया जाता है। ये है स्वास्थ्य सखी, स्वयं सहायता समूह चलाने के साथ साथ ये गांव और स्वास्थ्य केंद्र के बीच एक सेतु का काम करती हैं। कई बातें गांव की बहनें हमसे करने में झिझकती हैं, ऐसे में उन्हीं की साथी जब उनकी परेशानी पर चर्चा करती हैं तो वह भी खुलकर अपने मन की बात उन्हें बता पाती है। इसी के साथ बच्चों में अंतराल, गर्भ निरोधक साधन, महावारी के समय उचित सफाई आदि विषयों पर समूह में चर्चा कर महिलाओं को अवगत कराने की भूमिका भी ये बखूबी निभाती हैं। अर्थ के कुंचौली व कड़िया स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाली महिलाओं में से 85% महिलाओं का प्रसव यही स्वास्थ्य केंद्र पर हो जाता है। नवजात शिशुओं की देखभाल भी हम ही कर लेते हैं, परंतु कुछ महिलाएं और नवजात जिनकी स्थिति जटिल हो जाती है उन्हें शहर के अस्पताल में रेफर करना पड़ता है। महिला को प्रसव में कोई जटिलता हो या नवजात शिशु की समस्या हो, हम जांच कर यह पता लगा लेते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और तुरंत प्राथमिक उपचार देकर उनकी स्थिति को नियंत्रित कर लेते हैं, जिससे शहर तक पहुंचा जा सके। भाई जी वो मशीन लाओ जो बीपी ना पड़े।
चप्पल खोल के इस गर्भवती महिला को ताण आई और मुझे जटिलता का आभास हो गया। कोई बात नहीं, इसमें कोई बात नहीं, इनको ताण आए ना घर पे, तो अभी मैंने इंजेक्शन ऑयल लगा दिया, अभी तो नहीं आएगा पर आगे भी आ सकते हैं, तो इसका जो इलाज है ना वही होगा, वहाँ भर्ती करके वही इलाज होगा, तो इनको वहीं ले जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं साथ में आ रही हूँ, आपको जिंदा करने की कोई बात नहीं। ठीक है, अभी कागज बना लेते हैं, अभी अपन उदयपुर ले जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। इस तरह की जटिलता होने पर केंद्र द्वारा पूर्व निर्धारित जीप वाले को तुरंत बुलवा लिया जाता है। परताराम जी, परताराम जी, एक जीप लाना उदयपुर वास्ते। हाँ, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के पश्चात हम उदयपुर में हमारे साथी मोहन जी को फोन द्वारा सूचित कर देते हैं। मोहन जी इनकी दवाइयों, भोजन आदि की व्यवस्था में इनका सहयोग करते हैं। कुंचोली स्वास्थ्य केंद्र से जो भी पेशेंट रेफर होता है उनको यहाँ रेफर किया जाता है। उदयपुर में नर्स आने के बाद मुझे फ़ोन से सूचित करती है कि जिस यानी खमाणी पन्ना लाल के नाम से कोई पेशेंट रेफर हुआ है, तो मेरे पास एक संस्था ने एक मोबाइल भी दे रखा है इसी पर्पज के लिए कि किसी भी दिन हो, रात हो, किसी भी समय कोई भी पेशेंट अगर आता है तो कम से कम फ़ोन से मुझे सूचित कर दे। उदयपुर में वो भर्ती कराने के बाद चली जाती है, मुझे फ़ोन करने के बाद मैं तुरंत आ जाता हूँ, पेशेंट को यानी कि नर्स को जल्दी से जल्दी फ्री करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उनको आगे भी कहीं सारी डिलीवरीज वगैरह कैसे जाते हैं तो उनको सॉल्व करना होता है। पहले से ठीक है, कैसे तेरे हिसाब से? ठीक है। कितने दिन का हो गया आज? 6 दिन का। अच्छा, दूध तो नहीं पिला रहे, तो फिर क्या बस बोतल से चल रहा है? एडमिशन से डिस्चार्ज तक मैं फॉलोअप करता हूँ और समय समय पर उनको जानकारी देता हूँ कि ये संबंधित जांच कहाँ कहाँ होती है, जैसे कि यूरिन टेस्ट है, ब्लड बैंक का है, एचबी का है, सारे टोटल जांच से कहाँ कहाँ होती है, उनको साथ ले जाके मैं सभी बताता हूँ कि ये जांच यहाँ होती है। उनका मार्गदर्शन करने से क्या है कि उनका आसानी बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि हमें मुझे संभालते रहना, तो मैं हर डेली फॉलोअप करता रहता हूँ। अर्थ ने यह काम शुरू किया था 1999 में और 8 साल के दौरान हमने जब आंकड़े देखे तो कुछ प्रसन्नता हुई। लगभग 1600 महिलाओं को हमने सेवाएं दी हैं, ज़्यादातर लगभग 1400 प्रसव के लिए आई और कुछ 282 इनमें से ऐसी महिलाएं थी जिनको जटिलता हुई और हमारे नर्सेज ने पहुंचा दिया उनको अस्पताल में। करते करते हमें लगा कि यह प्रयास राजस्थान के अन्य इलाकों में भी करके देखना चाहिए और इसी उद्देश्य को रखते हुए हमने 3 संस्थाओं के साथ काम करना शुरू किया। झुंझुनू जिले में शिक्षित रोजगार केंद्र प्रबंधन समिति, अजमेर में सवेरा और टोंक में शिव शिक्षा समिति, 3 ही संस्थाओं ने नर्सेज को नियुक्त किया, हमने उनका प्रशिक्षण किया, उनके कार्यक्रम का सृजन करने में सहयोग दिया और आज प्रसन्नता होती है कि लगभग 1.5 साल की अवधि में हर एक केंद्र ने लगभग 50 प्रसव किए हैं और ये प्रसव नर्सेज ने किए हैं, तो लगता यह है कि ये जो जिस तरह से कार्यक्रम हमने शुरू किया है वो और जगह पे भी किया जा सकता है। झुंझुनू, टोंक और अजमेर के केंद्रों पर शुरुआत में गांववासी घर पर प्रसव करवाने पर जोर देते थे, पर धीरे धीरे इनका विश्वास नर्स प्रसविका और केंद्र पर होने लगा और अब
इन केंद्रों पर गांववासी प्रसव, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लेने आने लगे हैं। जनवरी में हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग अर्थ में शुरू हुई, तो वहाँ जाने के बाद धीरे धीरे, शुरू में तो मुझे कुछ नहीं आया, फिर धीरे धीरे उन्होंने सिखाया, जैसे लीसी दीदी ने और अजीता दीदी ने, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें सिखाया। तो फिर बाद में एक डिलीवरी मैंने खुद ने करवाई वहाँ पर, तो मुझे शुरू शुरू में इतना डर लगा कि पता नहीं क्या होगा इस बच्चे के साथ, क्योंकि मुझे बच्चा ऐसे गोदी में लेते ऐसा हुआ कि क्या पता वो मर जाए क्या हो जाए। फिर धीरे धीरे मैंने मतलब वो डिलीवरी सक्सेस हो गई, उसके बाद मैंने फिर वो डिलीवरी करवाई। और फिर बाद में वहाँ पे तो केवल डिलीवरी को ही नहीं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने सिखाई है, जो कि जैसे फील्ड में कैसे काम किया जाता है, क्योंकि मुझे फील्ड का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था पहले। फिर जैसे अर्थ में काम किया, उन्होंने हमें फील्ड में भेज देते, अकेले को भेज देते कि कैसे अकेला काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी हमें अकेले को ही जाना पड़ता है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से फील्ड का काम सीखा। डिलीवरी करवाते समय हमारे सामने कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो कि हमें किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हमारे फ़ोन की सुविधा है, उस फ़ोन के द्वारा हम कड़िया कुंचोली में जो कि उदयपुर में है, उनसे लीसी दीदी से और कभी अजीत दीदी से भी हमें बात करनी पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो हम सोल्व नहीं कर पाते, तो उनको सिचुएशन बता देते हैं, भाई पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो हमें क्या करना है, तो बताते हैं कि भाई इसके साथ ये करो, इसको ये ड्रग्स दो, या फिर ज़रूरत पड़ती है तो रेफ़र कर दो। महिलाओं के साथ काम करते करते हमें लगा कि किशोरी बालिकाओं को भी प्रजनन और उनके शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हमारे मॉडल में प्रशिक्षण को जोड़ा गया। महिलाओं के लिए गर्भधारण से पहले मानसिक तैयारी क्यों जरूरी है, माहवारी, खानपान, अनचाहा गर्भ, गर्भपात आदि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर किशोरियों से बात नहीं की जाती, परंतु उन्हें यह जानकारी होना उतना ही महत्वपूर्ण है। बस इन्हीं बातों ने हमें प्रेरणा दी और हमने इस तरह के प्रशिक्षणों को अपने मॉडल का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया। प्रेगनेंसी टेस्ट के नाम पर गरीबों को अक्सर ठगा जाता है और यही जांच हम कुछ ही मिनटों में इनके घर पर कर देते हैं। जो बात जांच करी ना मैं बाहर एक माइनर तो रिपोर्ट आ गई, भाई है बच्चों बच्ची, और अब तो नहीं चाहे जल्दी जल्दी तो आप मतलब कि आजकल घना साधन चल रहे अब काम में ले सका है ना, माला गोले है या आदमी था और साधन कोई ले बचावे तो बिना भी मतलब कह सकत हूँ भाई निरोध विरोध काम में ले लो, इतना जल्दी जल्दी बच्चा नहीं चावे तो ठीक है ना। 8 साल से इस कार्यक्रम को चलाते हुए हम कई बार सोचते हैं कि हमने क्या साबित किया है। हाँ ये बात तो सही है कि उन गांवों में लगभग 49 गांव में कई महिलाओं को सेवाएं मिली है, कई जाने हमने शायद बचा ली है, लेकिन इसके अलावा हमें लगता है कि हमने एक मूल रूप से एक बुनियादी मुद्दे को पेश किया है। अगर एक कामकाजी महिला, एक नर्स प्रसविका को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए, उसे जिम्मेदारी दी जाए कि वो एक स्वास्थ्य सेवा खुद चलाए, उसमें एक आत्मविश्वास पैदा किया जा सके, तो वो महिलाओं की सेवाएं कर सकती है, मातृत्व सेवाएं, नवजात शिशु सेवाएं काफ़ी कुशलता से प्रदान कर सकती है। हमें लगता है कि हमारी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है।
पाया वो बात दिमाग की मानो रे।